तो हाँ गाइस, अभी सीन ये है कि यार हम लोग रेस में हिस्सा लेने वाले हैं, और यार जिसमें फर्स्ट आने वाले को ना एक कार मिलने वाली है, फर्स्ट प्राइस कार रखी हुई है उन लोगों ने। तो ये बात ट्रेवर ने मुझे बताई थी, और यार वो रेस में जाने के लिए ना मेरे से कार मांग रहा था, क्योंकि शोरूम पे ना एक से एक सुपर कार पड़ी हुई है मेरे पास, और यार गाड़ियों की ना कमी नहीं है। लेकिन मैंने उसको देने से मना कर दिया था, मैंने कहा था अगर तूने टेस्ला ले ली ना तो टेस्ला ले ले, क्योंकि शोरूम से ना कोई भी कार नहीं मिलने वाली है। लेकिन फिर मैंने सोचा यार बाद में कि यार मैं भी रेस में हिस्सा ले लेता हूँ। तो अभी ना अभी सीन ये करते हैं कि यार शोरूम से ना एक हैवी वाली कार मंगवाते हैं, क्योंकि रेस में हिस्सा लेंगे ना तो टेस्ला से तो बात ही बनेगी। कोई भी सुपर कार तो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई ना यार शोरूम पर, तो उसमें से कोई भी सुपर कार मंगवाते हैं, सबसे फास्टेस्ट जो कार है ना वो वाली मंगवाते हैं, ठीक है। और यार ये वाली कार ना हम ड्राइवर को दे देंगे, ड्राइवर को दोबारा फ़ोन करके कह दूंगा कि भाई अगर तूने टेस्ला लेनी है तो ले ले, और कोई कार नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो अभी करते हैं मैनेजर को कॉल करते हैं, उसी से कोई कार मंगवा देते हैं। वहाँ पर जिमी की भी कार्स पड़ी हुई है, ठीक है, और मेरी भी कार पड़ी हुई है अपने नए वाले शोरूम पर। तो खैर शोरूम पर मैं इतनी दफ़ा गया नहीं हूँ, उसी से मंगवा लेंगे। भाई जाना ना बहुत मुश्किल ही पड़ेगा। अभी इसका नंबर कहाँ चला गया, इतने दिन हो गए मैंने इसको कॉल भी नहीं किया, नंबर ही नीचे चला गया। अबे कहाँ चला गया नंबर तो नहीं डिलीट हो गया, मुझे फिर शोरूम पे जाके जाना पड़ेगा। अबे नहीं, मिल गया मिल गया मिल गया, इसको कॉल करके कहता हूँ, उठा लेना, इसको कॉल करके कहेंगे भाई जल्दी से लेके आ यार। ओए ओए भाई, आज लेट हो गया लेट हो गया। शोरूम पे मैं टाइम पे खोल लेता हूँ, लेकिन आज मैं लेट हो गया यार। ये किसकी कॉल आ रही है, कॉल कर देते ना बीच में, अच्छा नहीं लगता। कॉल किसकी आ रही है, उतरी, ये तो माइकल भाई है। अबे भाई अब ये पूछेगा कि शोरूम क्यों नहीं खोला, अभी तो फिर कहानी डालनी पड़ेगी यार, अब उठाना तो पड़ेगा, उठा लेते हैं। जी माइकल भाई, यार काफ़ी दिनों के बाद कॉल किया, कि खैरियत है ना, क्या हुआ क्या? अरे मुझे ना तुमसे एक काम था, लेकिन पहले मुझे बताओ कि कहाँ पर हो तुम इस वक्त? जी माइकल भाई, बस शोरूम जा रहा हूँ यार, शोरूम खोलने जा रहा था, बस मैं निकल पहुँचने वाला हूँ शोरूम पर। अरे अच्छा, वैसे हो किस पे तुम? जी मुकुल भाई, मैं तो अपनी ओडी पे हूँ, ये ओडी है ना उस पे हूँ मैं। यार तुम्हारे सही मसे हैं भाई, कभी ओडी कभी BMW, मतलब कि तुम सही मजे उड़ा रहे हो। तुम हैं किसी हैवी शोरूम में काम करते हो क्या? मुकुल भाई यार, आप ही कहते शोरूम में ना उस पे काम करता हूँ। खैर बोले काम, बोले यार काम क्या था, मैं शोरूम जा रहा था, शोरूम खोलना टाइम बहुत हो जाएगा। अच्छा तो यार काम ये था कि यार शोरूम पे ना टैरजो पड़ी होगी, ठीक है, वो टैरजो ना मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे अभी चाहिए, ठीक है, फ़ौरन चाहिए। तो एक काम करो, खुद लेके ना मेरे मैंशन पे पहुँच जाओ, ठीक है, या फिर किसी लड़के को भेज दो कि वो कार ना मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक रेस में हिस्सा लेना, तो मुझे वो वाली कार चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से ना वो लेके पहुँचो, तुम खुद पहुँच सकते हो तो खुद आ जाओ, नहीं तो किसी लड़के को भेज के ना यार यहाँ पर मैंशन की तरफ पहुँचाओ, ठीक है, उस कार को फ़ौरन। पहला काम ये करना, ठीक है, तुम शोरूम पहुँचते पहुँचते। जी ठीक है मैं भाई, मैं अभी पूछवाता हूँ आपको कार, टेंशन नहीं लेनी, अभी आता हूँ मैं। तो चलो यार, ये काम क्या दे दिया मोगल भाई ने, टायर से पहुँचवानी पड़ेगी हम मैंशन की तरफ। मोगल भाई को भी कह दिया मैंने ओडी में हूँ यार, देखो कैसी ओडी रखी हुई मैंने। खैर सबसे पहला काम करना मैंने शोरूम पहुँचते पहुँचते ना टायर से पहुँचवाने का, खुद तो नहीं जाऊँगा मैं किसी लड़के को भेजूँगा यार, खुद उनका मैंशन से दूर है, मैं गाड़ी में चला जाऊँगा, ठीक है, उनकी टायर से मैं वापस मुझे टैक्सी करा के आना पड़ेगा। फिर ये तो फसले ली बात है ना, मैं खुद तो जानी जाने वाला, मैं किसी लड़के को भेजूंगा। अरे यहाँ पर पार्क करते हैं साइकिल, दिनों में साइकिल कहाँ पार्क करता हूँ, देखो इतने बड़े शोरूम का मालिक हो गए, झाड़ी को मैं पार्क करूँ मैं साइकिल, क्योंकि चोरी ना हो जाए, अंदर भी नहीं लगेगा ज़्यादा तो सारी शो ख़राब हो जाएगी ना भाई, साइकिल रखी हुई है इसलिए वहाँ छुपा के रखते हैं। देखो पता ही नहीं लग रहा कि साइकिल रखी हुई वहाँ पर किसी ने, पर मोगल भाई आते नहीं है शोरूम पर यार कभी भी, कोई गिफ्ट वगैरह ही देते हैं, कोई गाड़ियों वगैरह गिफ्ट कर दो यार, सही बात है, कोई भी गाड़ी गिफ्ट नहीं करते यार। एक दफ़ा बुलाया था वो कोई ईद पे बारबेक्यू पार्टी करनी थी उन्होंने घर पे, वापस मेरा कोई सीन भी नहीं डाला इन्होंने। यार शोरूम खोलते हैं अब। तो चलो यार, इसको तो मैंने कार का कह दिया, तो अभी सीन ये है कि बल्कि मैंने ना फुल टैरजो ही मंगवा लिया, ठीक है, रेस के लिए, और अभी मुझे ट्रैक का भी नहीं पता कि कौन सा ट्रैक है यार, कोई ट्रैक का भी पता होना यार कैसा ट्रैक है, मुझे ट्रैक का पता नहीं है। मैंने टैरजो मंगवा लिया, अब देखो क्या होता है, क्योंकि गाड़ी भी तो जमा करवानी है भाई, अपना नाम लिखवाना है रेस के लिए कि भाई हम भी तैयार हैं। तो खैर पता नहीं उन लोगों ने फर्स्ट प्राइस पे कौन सी कार रखी हुई होगी, मैंने कोई हैवी कार मंगवा ली, बल्कि उनकी जो प्राइस रखा है ना उनसे भी मैंने कोई महंगी कार मंगवा ली है। तो अभी सीन ये है कि इस टेस्ला को ना ड्राइवर को देते हैं, ड्राइवर को कॉल कर देते हैं उसको कि यार यहाँ के टेस्ला ले जाए, क्योंकि शोरूम से मैं तो उसको कोई कार देने नहीं वाला, ये तो मैंने वैसे ही मंगवा लिया शोरूम से, वरना शोरूम से ना मैंने खुद भी नहीं निकालनी थी कार। तो अभी ड्राइवर को कॉल करते हैं, अबे उठा बे जल्दी उठा ले। हाँ तो बस ठीक है, तुम यहीं पर रुको, ठीक है, बल्कि आ जाओ मेरे साथ ही आ जाओ यार, तुम इससे बात करके आ, रेस का क्या पता कब कब का कह के गया हूँ मैं, अभी तक रेस नहीं करवाई है इसने,
भाई मुझे डिटेल वगैरह भी नहीं दिया, उसको पता तो करके आए क्या सीन है। अबे कहाँ चला गया मैं, ज़्यादा फील ही लगता है। तो हाँ भाई छोटी बैटरी मुझे बता भाई रेस का क्या सीन है, तुझे मैंने एक हफ्ते का काम कहा था ठीक है, एक हफ्ते के अंदर रेस करवानी है, काफ़ी डैडी रेस करवानी है। और तूने यह कौन सा न्यूज़ चैनल पर दे दिया रेस के बारे में, भाई किसी कोई देखता नहीं है वो न्यूज़ चैनल, अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल पर दे ठीक है, कोई भी चैनल सारे चैनल पर, कि तू सारे चैनल पर दे दे कि रेस के अनाउंसमेंट करवा दे ठीक है, एक से एक अच्छा बंदा आना चाहिए। भाजी चुप कर जो यार, अभी बोली जा रहे। खैर मुझे बताओ भाई रेस हो जाए ठीक है, खतरनाक रेस करवानी है, एक से एक अच्छा बंदा आना चाहिए, माड़ी रेस नहीं चाहिए मुझे ठीक है, बहुत हैवी हैवी बंदे आएंगे देखने के लिए ठीक है, काफ़ी अच्छी रेस होनी चाहिए। जी, सिर्फ फिक्र नहीं करे, काफ़ी अच्छी रेस होगी, बल्कि तो अभी तक मैंने ट्रैक भी नहीं बताया इन लोगों को, मैंने ट्रैक भी नहीं बताया कि कौन से ट्रैक पे रेस होनी है। खैर वो काफ़ी ज़्यादा बंदों ने मुझे तो अपनी एंट्री भेज दी है, अभी सारे बंदे जमा नहीं हुए लेकिन कुछ बंदे आ गए ठीक है, अभी मैंने ट्रैक नहीं बताया लोगों को, तो ट्रैक मैंने अभी सीक्रेट रखा, बाद में बताएंगे मज़ा आएगा। हाँ बस ये ठीक है, ये तूने अच्छा काम किया कि ट्रैक नहीं बताया अभी, अभी ये ट्रैक की बात ना सरप्राइज रखना ठीक है, और जो फर्स्ट कार की जो प्राइस है ना वो भी मैं तुझे बताता हूँ कि भाई क्या सीन है उसका, मैंने तीन प्राइस रखे हैं ठीक है, एक तो कार तो लाजमी है, एक कार भी बताता हूँ मैं कौन सी कार है ठीक है, बस रेस अच्छी सी देखने को मिले ठीक है, मज़ा आ जाए देख जिसको देख के ना रेस, वो वाली रेस होनी चाहिए और ट्रैक भी सीक्रेट ही रख ठीक है। और तेरे अनाउंसमेंट जब तू करेगा ना तो ये ना बच्चे बच्चे आ जाए रेस सिखाने, जो 70 भगाते हैं वो वाले बंदे आ जाए, उन बच्चों को नहीं लेना ठीक है, ना ही बूढ़े बंदों को लेना, कोई जवान से बंदों को लेना ठीक है, ताकि रेस जो है ना सही डैडी वाली रेस हो, समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सारी की सारी कवरेज चाहिए मुझे। और तू बस देख, अरे अरे यार ये फिर मुझे स्मेल अच्छी नहीं आ रही यार, ये मुझे लगता है यहाँ पर फिर कोई ख़तरा हो गया, बॉस मेरी बात सुनो यार, बॉस यहाँ से निकलते हैं यार, मुझे स्मेल अच्छी नहीं आ रही यार, मुझे लगता है कोई ख़तरा है, मैं यहाँ पर यहाँ से निकलें जल्दी करें, बस जल्दी निकलते हैं यहाँ से इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। अबे यार क्या हो गया, तुम हमेशा निकलने की बात करते हो, अभी भी तो आया हूँ बात कर रहा हूँ ना, पर बॉस मेरी सक्सेस कैरियर यहाँ पर ख़तरा है, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, जल्दी से निकले बस। अबे यार क्या सीन है तुम्हारा, चलो फिर चलें, चलते हैं यहाँ से जैसे तुम कहते हो, चलो हाँ बॉस चले चलें, आ जाए आ जाए, आ जाए मेरे पीछे आ जाए, काफ़ी बहुत बहुत मानते हैं मेरे बॉस यार, काफ़ी अच्छे हैं यार, मुझे यहाँ पर ख़तरा लग रहा था तभी मैं ले के जा रहा हूँ इनको, आ जाए आ जाए बहुत जल्दी आ जाए, यहाँ से निकलते हैं। असल में चाहता नहीं हूँ कि मैं क्या आपको कुछ हो यार, बॉस एक ही तो अकलौता था बॉस है मेरा यार, मैं नहीं चाहता कि कोई आपको मार के चला जाए यार, चले मैं आपको दूसरी जगह पर लेके चलता हूँ यार, जहाँ पर सेफ जगह हो ना ठीक है, दूसरी जगह पर चलते हैं। अरे यार ये तो काफ़ी आसानी से चाबी दे दी यार इसने, फिर थोड़ी सी भी हत्थापाई नहीं की यार, मज़े नहीं आया इसको मारने का, यार चाबी तो आगे गाड़ी में बैठ के देखना कैसी लगती है। ये देखो इस गाड़ी का मॉडल क्या नाम है ये तो मुझे पता नहीं है वैसे, लेकिन है न्यू कार, देखो अभी अभी निकाली मैंने शोरूम से ठीक है, तो वैसे किसको नहीं पता ना कि ये मेरी कार कहाँ से मिली है मुझे, तो यार मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ ठीक है पिछली वीडियो का, वो जाके देख लो क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कार कहाँ से आई है यार ये वाली मेरे पास। यार जल्दी से इसको लेके चलते हैं रेस वाली जगह पे, ये किसकी कार आ रही है, अबे इसकी क्यों कार आ रही है भाई, अबे हाँ भाई माइकल, हाँ तो ट्रेवर तुझे कार चाहिए थी ना, तो यार एक काम कर मेरी मेंशन पे आके ना ये टेस्ला ले जा ठीक है, और रेस में से लेके ना फर्स्ट प्राइज जो जीतनी है ना तूने तू जीत जा, और यार जो नई कार मिलेगी ना जो वो तू रख लियो ठीक है, तो अभी आके ले जाइए टेस्ला। अबे भाई अपनी टेस्ला तू अपने पास रख भाई, मेरे पास ना तेरे से भी अच्छी कार आ गई ठीक है, सुपर कार है, अभी अभी खरीदी शोरूम से निकाली है। अभी तूने कैसे निकाल ली, अबे ये ना तू वीडियो में देख ली भाई कि मैंने कैसे निकाली है, तू फोन रख भाई, तूने मुझे कार दी नहीं ना शोरूम मंगने के बावजूद तूने मुझे कार नहीं दी, अब भी देखो तू देखी मैं फर्स्ट प्राइज जीत के ना वो कार लेके ना तेरे घर के सामने से बाजे बजा के निकलूंगा, तू फिक्र ना कर, अब फोन रख मुझे और भी ज़्यादा काम है, फोन रख दे तू फ़ौरन से पहले। भाई अच्छा अच्छा सी गुस्सा क्यों हो रहा है भाई, ले लेना टेस्ला ले ले, टेस्ला दे तो रहा हूँ, पर फोन रख साले मेरे बाहर ना कर मेरे से, भाई काट दिया। हेलो ड्राइवर, ड्राइवर अभी इसने कॉल काट दिया यार, शाला शोरूम होने के बावजूद ही कार नहीं देता यार, इतना 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 कंजूस बनना नहीं यार, ये सही बात है। खैर इससे भी अच्छी कार आ गई मेरे पास, अभी इसको मैं इसकी प्रैक्टिस तो खोल कर लेना भाई, इसका पूरा मीटर तो मार गया हूँ मैं, देखो देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है यार, ये मुझे तो न्यू ही लग रही है, अभी इसको लेके चलते हैं क्योंकि अपना नाम भी तो लिखवाना है देश में। ओए एक मिनट अबे भाई मेरी यार ये इस बाइक का क्या करूँ मैं, एक काम करते हैं रोनी को कॉल करते हैं, रोनी मेरी बाइक ले जाएगा और यार मैं अपनी कार को ना रेस में हिस्सा लेने के लिए लेके जाता हूँ, इसको कॉल करते हैं ताकि बाइक, यहाँ पर चोर भी तो पड़े ना यार, चोरी कर लेते हैं, 2 मिनट के लिए छोड़ के जाओ ना यार अपनी कार या बाइक, 2 मिनट में चोरी कर लेते हैं यार, इतने गंदे लोग हैं ना यार यहाँ पर।
अरे ड्राइवर भाई क्या यार, पबजी खेला था यार, बीच में आपकी कार आ गई। बोलो यार काम क्या यार, जी भी आपने कार कर दी बीच में। अबे साले तू पबजी को छोड़, ये मेरी यहाँ पर बाइक खड़ी हुई है ठीक है, ये इस कैफे पे लेके जल्दी से यहाँ पर पहुँच ठीक है, और ये बाइक उठा मेरी और अपने घर पे लेके जा ठीक है, मैं ज़रा हटूँ आगे से होके ठीक है। अरे क्या ड्राइवर भाई यार, अच्छी बोली पबजी खेल रहा था, चलो रुको मैं आ रहा हूँ ठीक है, मैं लेके जाता हूँ यार। हाँ चल ठीक है जल्दी से आ साला। ये तो इसको एक काम कह दो यार, इसको मौत पड़ जाती है, गाड़ी को लेकर जाए यार, थोड़ी बहुत इसकी लग ना जाए यार, ये इसको निकालते निकालते ना लग जाए। वो भाई कंट्रोलिंग तो इसकी बड़ी फिट है यार, अभी इसका पूरा मीटर मारे इसकी स्पीड कितनी है यार। रेस जीतने के बाद यार जो कार मिलेगी ना यार, तो मेरे पास क्या दो कारें और एक बाइक हो जाएगी भाई, अभी देखते कौन सी कार मिलती है यार। रेस में तो हिस्से में लूंगा और यार देखो सारों को हरा के जाऊंगा मैं। अब भाई Thank you.